बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 29 पारे मुकम्मल कर लिए हैं। 29 पारे हैव बीन रिसाइटेड। कल 30वां पारा होगा, इसका ज़्यादा हिस्सा पढ़ा जाएगा और परसों संडे को इंशाअल्लाह ताला आखिरी जो सूरतें हैं उनको तिलावत किया जाएगा और इस तरह हमारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। परसों का जो दिन है संडे का दिन, 27वीं रात का दिन, उस हवाले से चंद बातें दो ऐलान कर दूँ। एक तो यह है कि उस रात को इंशाअल्लाह ताला सब को दावत है, तमाम भाइयों को बहनों को दावत है टाइम पर आना, 10 बजे टाइम पर आकर फिर उसके बाद यह कि मौजूद होना। फिर रात को हम ठहरेंगे, फिर हम अंदाज़ा करेंगे जो लोग सुबह सहरी तक ठहर सकते हैं कितने लोग हैं, तो कोई लाना चाहिए अगर कोई बास पास कोई खाने के लिए तो ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो ले भी आएँ, शामिल भी हो जाएँ, मुझे पका कर यहाँ ले भी आएँ, जैसे भी सूरत हाल होगी। उस हवाले से कोई अगर साधन लाना चाहता है, कोई रोटी लाना चाहता है, किसी भी हवाले से सहरी के हवाले से जो लोग इबादत कर रहे हैं तो इससे बड़ा सवाब कौन सा है, तो उस हवाले से भी हमने उसको तरतीब देना है, जो कल लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। फिर दूसरा एक और ये बात खास है वो ये है कि हमने देखें इबादत इंसान करता है खामोशी के साथ, सुकून के साथ। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे हों या ख्वातीन हैं या मर्द हैं जो भी हैं, इस बात को यकीनी बनाना है ताकि खामोशी के साथ हर एक को अपने बच्चों का, मेरे बच्चे जो हैं वो तायों के सुपुर्द हैं, वो जाने का जाओ, लेकिन बाकी जितने बच्चे हैं ये ख्याल रखना कि हारे वालदेन को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ खड़ा है। साथ खड़ा कर देंगे तो एक बच्चा बाद उसका दो बच्चे ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, शोर मचाते हैं, पूरा का पूरा जो माहौल होता है उस पर फ़र्क आ जाता है, तो फिर गुनाहगार भी इंसान हो। जैसे छोटे बच्चों को, इतने बच्चों को जो लनी शोर मचाते हैं ये सिलसिला, वो देखने जैसी भी सूरत हाल है, मगर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वो सारा प्रोग्राम किसी दो चार बच्चों की वजह से, लोगों की वजह से या औरतों की वजह से ख़राब ना हो जाए। पूरी रात की महफिल है, इबादत की रात है, अल्लाह को याद करने की रात है, तो हमने इसका इस चीज़ का भी इबादत भी करनी है, मगर साथ ये भी ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना कि मस्जिद के माहौल पर वो जो असर, वो हमारे खास रूहानी माहौल है वो ख़राब ना हो जाए। तो हर एक को इस पर एफर्ट करनी चाहिए, बगैर कहे कि ये आपका बच्चा है जो भी है, खुद ही लुक आफ्टर करें। जैसे मैं बगा अपनी चीज़ों को लुक आफ्टर खुद करें, जो भी है ऐसी चीज़ें हैं जो सारा मामला है, मोबाइल है, जो भी सूरत हाल है, अपना अपना जिम्मेदारी खुद इंसान संभाले, आसानी हो जाती है। हर बच्चे पता होगा कि मेरे वालदे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं यहाँ खड़ा करूँगा, साथ खड़ा कर दें, तो ये बहुत मेहरबानी होगी अगर इस हवाले से हमारा ये मामला खामोशी के साथ हो जाए। तो आज हमने सूरह मुल्क की तिलावत की है, फिर बेशुमार सूरतें हैं 29 बारे में आती हैं। सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है कि जिसकी 30 आयतें हैं, और 30 आयतें हैं जो रोज़ पढ़ता है, 30 रोज़ रोज़ाना तिलावत करता है ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले, तो अल्लाह ताला 30 के 30 दिन महीने के होते हैं, तो 30ों दिनों में अल्लाह ताला उसको बलाओं से और परेशानियों से महफूज रखता है। आका अलैहिस्सलाम ने का इशाद और आपने इनक्रेज किया कि सूरह मुल्क जो है तबारक अल्लज़ी बियदिल मुल्क, ये हर रात को पढ़ी जाए और ये कब्र में अजाब से छुटकारा दिलाने वाली सूरत है, कि अल्लाह की बारगाह में शफात करेगी क़यामत के दिन कि बारी ताला ये शख्स मुझे रोज़ाना रात के वक्त पढ़ा करता था। तो सूरह मुल्क को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उसके बाद आगे सूरह कुनून वल कलम आती है, उसमें एक बड़ा एक वाक़िया बयान किया गया आका अलैहिस्सलाम के अदब के हवाले से, वलीद बिन मुग़ीरा, वलीद बिन मुग़ीरा, ये इसने कोई गुस्ताखी की, बेअदबी की आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो अल्लाह ताला ने उसकी मजम्मत में 10 उसकी बुरी खसलतों को बयान किया। आज से नाजुल होती रही कि ये बहका हुआ है, ये झूठ बोलता है, ये खयानत करता है, ये बदअहदी करता है, फिर एक एक करके अल्लाह ताला उसकी बुरी खसलतें बयान करता गया, करते 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 यहाँ तक कि चूँकि आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी की थी, नकल उतारी थी, ऐसा मामला किया था कि अल्लाह ताला को बड़ा ही गज़ब आया कि मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता है। बयान करते 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 जब आखिरी, जब अल्लाह ताला का जो गज़ब है वो इंतहा पर पहुंचा और पीक पर पहुंचा, तो अल्लाह ने फरमा दिया उतुल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम, ये है ही हरामज़ादा। जब ये बात उसने सुनी तो दौड़ता हुआ माँ के पास गया और तलवार लेकर कहने लगा, माँ मुसलमानों के नबी ने मेरे बारे में 10 बातें कही हैं, 9 बातें ऐसी हैं जिनमें आपस में जानता हूँ कि वाकई मुझ में ये खराबियाँ हैं, फलां साल झूठ भी बोलता हूँ, सारे काम करता हूँ, मगर एक बात ऐसी है जिसका फैसला मैं नहीं करता तो करेगी, वो ये है कि मैं हलाल का लुत्फा हूँ या हराम का लुत्फा हूँ। तो उस वक्त माँ ने कहा कि बेटा तेरे बाप में ये ताकत नहीं थी, तो मैंने तुझे एक चरवाहे से लिया है, तो हराम का लुत्फा हो गया। तो अल्लाह ताला ने ये मामला कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में किसी को इस हवाले से बात नहीं की, इतनी सख्ती के साथ बात नहीं की, या किसी को अल्लाह ताला अखलाक की तालीम देने वाला है, गाली तो नहीं देने वाला है, मगर अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में एक जगह ये मामला रखा है कि यह है ही उतुल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम, यह है ही हरामज़ादा।
पता चला कि हर इंसान काफर है, मुशरिक है, कोई भी है, एज ए इंसान उसकी एक वैल्यू है, हलाल के तरीके से आया है। मगर जो बेअदबे रसूल आदमी है और जो गुस्ताखे रसूल आदमी है, वो अल्लाह ताला उस पर इतना गज़ब है कि इंसानियत के दर्जे में से उसको गिरा देता है। तो यह है कि अल्लाह हमें आका अलैहिस्सलाम का अदब अता फरमाए। और ये सूरह नून वलकलम की जो आखिरी आयतें हैं, ये आयतें ऐसी इतनी पावरफुल हैं, किसी को नज़र लग जाए, अगर बच्चों को नज़र लग जाए तो ये आयतें पढ़कर फूंका जाए, वहीं यकादुल्लज़ीन कफरू लयज़ूकून का भी अबसार हिम, तो फूंका जाए तो अल्लाह ताला उस नज़र की अल्लाह बच्चों को हिफाजत करता है। सूरह अलहाक का शुरू हो जाती है, फिर आगे सूरतें शुरू, सूरह जिन शुरू हो जाती है जिसमें जिनों के वाक़े आते हैं, फिर सूरह मुज़म्मल शुरू हो जाती है, सुभान अल्लाह। सूरह जिन के आखिर में एक और वाक़ बड़ी आयत खास है, वो ये है, अल्लाह फरमाता है आलिमुल ग़ैबी फला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा। अल्लाह ताला आलिमुल ग़ैब है, अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तली नहीं करता, ठीक है, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, मगर अपने रसूलों में से जिस पर राजी होता है उसको अल्लाह ताला ये ग़ैब का खजाना अता फरमा देता है। अब यहाँ ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला आलिमुल ग़ैब है, अल्लाह ताला कोई और आदमी आलिमुल ग़ैब नहीं, अल्लाह आलिमुल ग़ैब है। रसूल और बाकी लोग वो मुत्तली अलल ग़ैब होते हैं, उनको इतला दी जाती है, अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, अल्लाह आलिमुल ग़ैब है, मगर अल्लाह फरमाया कि किसी को नहीं देता, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, ये ग़ैब के खजाने जो हैं ये अपने रसूलों को और अपने प्यारों को अल्लाह ताला अता फरमाता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बुखारी शरीफ में है कि किसने आका अलैहिस्सलाम के इल्म पर इतराज़ किया, तो आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने क्या किया कि आपने सारी वाक़ियात को क़यामत तक आने वाले वाक़ियात को बयान कर दिया। वो साहबा कहते हैं कि जन्नत में जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक, वो दोसी के दोजर में दाखिल होने तक सब कुछ बयान कर दिया। और साहबा कहते हैं सबसे ज़्यादा आलिम वो शख्स था जिसने ज़्यादा याद रखा, थोड़े से वक्त में क़यामत तक के हालात को बयान कर देना, यह आका अलैहिस्सलाम का अजीम मौजज़ा था। सुभान। फिर क्या हुआ, और जब ये मामला हुआ, एक शख्स के आप पूछो सरो नहीं, पूछो जो सवाल करते पूछो। सुभान। एक शख्स खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मुझे ये बताएं मेरा ठिकाना कहाँ है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। अरफ़मा जहन्नम। अब ये बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि मेरा ठिकाना क्या है, जहन्नम। अब जहन्नम क़यामत के दिन मरने के बाद सारा मामला होंगे, मगर आका अलैहिस्सलाम की नज़र नबूवत देखें कि ये शख्स जो है ये बैठा हुआ ये जहन्नमी है। सुभान अल्लाह। फिर एक और शख्स खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं हलाल का नहीं हूँ, ये बताएं मेरा बाप कौन है। उसे मेरा बाप कौन है, और मैं तेरा बाप फलाश नाम लिया, फलां बाप मतलब तेरा बाप है, जो तेरा बाप है वही है। अब देखें आका फरमा सकते, देखो मैं आया हूँ यहाँ, मैं दीन शरीयत देने के लिए आया हूँ, नमाज रोज़ा हकाम देने आया हूँ, ये सारे मामला देने आया हूँ, मुझसे ये बातें जो क्या कि हलाल मैं, मेरा बाप कौन है, ये पर्दे की बातें हैं, मैं कहाँ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह ऐसी है जो सवाल ही आ जाए, जो सवाल करे, अल्लाह फरमाया इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमा देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खजानों के व अल्लमा का मालम तकुन तालम, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में व अल्लमा का मालम तकुन तालम, जो कुछ आप न जानते थे अल्लाह ने आपको सारा कुछ अता फरमा दिया। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का आप पर फजल अज़ीम है। ये मामला सूरह मुज़म्मल शरीफ आगे शुरू हो जाती है, बड़ी प्यारी सूरत, आका अलैहिस्सलाम की इश्क मोहब्बत की सूरत है, जो सहरी के वक्त सुबह के वक्त सूरह मुज़म्मल शरीफ की तिलावत करता है उसको आका अलैहिस्सलाम की दीदार होता है और ज़ियारत होती है इसके पढ़ने के सुबह के वक्त। और इसके पढ़ने से क्या होता है, सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मल के पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, सुबह के वक्त पढ़ना चाहिए। और इस सूरह मुज़म्मल शरीफ में क्या कि वो अल्लाह ताला ने एक और प्यार भरे अंदाज में उससे बात की, या अय्युहल मुज़म्मिल बुजुर्ग। अब हर नबी को अल्लाह ताला नाम लेकर बुलाया, आदम कुरान पाक पूरे कुरान को पढ़ने आवत, या आदम, या नूह, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुय्या, या इस्माइल, एक एक को नाम लेकर बुलाया, मगर पूरे कुरान पाक में अपने प्यारे महबूब वो एक जगह भी नाम लेकर नहीं बुलाया। क्या, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, या अय्युहर रसूल, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह, वो सीनी कैसे कैसे अलकाब के साथ पूरे कुरान पाक में लड़ा, अपने महबूब को बुलाया। और यहाँ के बुलाया, हुज़ूर चादर ओढ़ कर जा रहे थे, कमरी ओढ़ कर जा रहे थे, अल्लाह को आपकी अदा पसंद आ गई, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ कमरी ओढ़ने वाले, प्यार ही तो है, इससे बड़ा प्यार और क्या। कभी लई ना इल्ला क़लीला, आका अलैहिस्सलाम रात रात खड़े होते थे। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं, आम क्या होता है कि ज़्यादा खड़ा करो या करो इबादत ज़्यादा किया करो, महबूब को क्या फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला, रात को ठहरा कर क़याम किया कर मगर थोड़ा। सुभान। फिर अल्लाह ने सोचा कि अगर मैं थोड़ा कह दूँ मुमकिन है मेरे महबूब को ज़्यादा दिलाए, पर मैं औसी दाल ही थोड़ा ज़्यादा कर लिया कर, वरतिल कुरान तरती है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला निसफहू, आधी रात कर लिया कर, अविन कुछ कम कर लिया कर,
قلیلا اور اسی دالی زیادہ کر لیا کر, سارے کے سارے آپشن دے دیے کہ جب میرے محبوب کو بھی زیادہ دل ہے زیادہ کر لیا کر, تھوڑا دل ہے تھوڑا کر لیا, پہلے بتا دیا قلیلا رات کو. اللہ ہمیں کی حضرت جن کو بڑے کام میرے محبوب تو آپ کو ہوتے ہیں, بڑے کام ہوتے ہیں کافروں کو بتانا, دین کا باتیں کرنا, سارا پورا دن مکہ کی اور وادیوں میں چلنا, یہ سارے کام بھی تو ہیں آپ کے. ان اللہ کا فن نہار سب ہن طویلا, بڑی بڑی باتیں رات, تو رات کو آرام بھی کر لیا کریں. تو اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے معاملات اور کیسے پیار کا معاملہ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی اور ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے, اور 27ویں رات کے حوالے سے ہم سب تیار ہو کر ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں تاکہ ہمارا 27ویں کا بحران بہترین طریقے سے ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رب العالمین یا ابراہیم, آج 25ویں رات ہے اللہ پاک, آقا علیہ السلام فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ہمارے آل بکرم فرما, جو دربار کا بابر کا دن گزرا یا اللہ پاک, 25ویں کی رات آ رہی ہے اللہ پاک, ہم ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پاک. پورے رمضان میں جو دعائیں ہم نے کی یا اللہ پاک, اپنے رحمت کے صدقے سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے یا اللہ پاک وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما دے یا اللہ پاک. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تو دنوں کے حال جانتا ہے یا اللہ پاک, جو ہمارے مسائل ہیں جو سارے معاملات ہیں تو ان کو حل فرما اللہ پاک, ہمارے لیے آسانی پیدا فرما اللہ پاک, ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما, تقویٰ طہارت کی زندگی عطا فرما, شیطان نفس سے ہمیں محفوظ فرما, یا نفس ہمارا سے ہماری جان چھڑا اللہ پاک, نیک اخلاق حسنہ عطا فرما, رضائل بقت سے ہمیں محفوظ فرما اللہ پاک, سب کی حال بھر رہے ہیں فرما. جو بھی اساتذہ آتے ہیں اللہ پاک نماز کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ پاک, سب کے معاملات کو حل فرمائے اللہ پاک, سب کو اللہ پاک رمضان کی بے حد و حساب برف دیا عطا فرمائے, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, صحت یابی عطا فرما, ہمارے والدین جو دنیا سے پردہ فرما گئے سب کی بخشش فرما, ان کو عظیم درجہ عطا فرما, رشتہ داروں کی بخشش فرما, جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کا خیال عادی عطا فرمائے, سر و قائم و دائم فرما. رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہماری کیفیات کو اسی طرح اسے بڑھ کر جاری ساری رکھ فرمائے اللہ پاک, نماز کی سستی سے ہمیں محفوظ فرما اللہ پاک, نماز پنجگانے کی عادت توفیق عطا فرما, نماز میں عبادت میں خشوع خضوع لذتیں سکون عطا فرما اللہ پاک, یہ جلد بازی سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق عطا فرمانے, قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما, قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرما, اتنی کثرت کی توفیق کا تاکہ قیامت دن ہم اہل درود و سلام کی حوالے سے اٹھے جائیں یا اللہ پاک, اور استغفار کی کیفیت میرے میں توفیق عطا فرما, آج ان ساری کا تحفہ ہمیں عطا فرما. وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.